कोहिनूर को लेकर उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने एसजीपीसी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा है, तो विरोधी दलों का कहना है कि अब तक अकाली दल इस मामले में चुप क्यों था। कोहिनूर किसका, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था, पर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अकाली दल ने एसजीपीसी को इस मामले में पटीशन डालने के लिए कहा है। अकाली दल के मुताबिक कोहिनूर सिख विरासत का हिस्सा है, इसलिए एसजीपीसी को सौंपा जाना चाहिए। हीरा वो पंजाबियों की विरासत है, सिख कौम की विरासत है। मैं तो एसजीपीसी ने भी बेनती की है कि वह भी एक केस उत्थे जाके पार्टी हुण सुप्रीम कोर्ट जी कि कहन के साथों अंग्रेजा ने इतों लै गए धक्के ना लैके गए। ये सोने की जी कुर्सी है, जी तख्त नवा कुर्सी है, वह भी होर दुर्लभ वस्तुआं जिहड़ियां महाराज रणजीत सिंह दे राज दीआं अंग्रेज लै के गए, सानूं वापस मिलनी चाहिए, सरकार नूं सानूं सहयोग कर देना चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टियां कोहिनूर पर पंजाब सरकार के स्टैंड पर सहमत हैं, पर साथ में सवाल भी खड़े कर रही हैं कि इतने सालों से सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई थी। 18 साल वास्ते प्रकाश सिंह बादल ही हैज बीन चीफ मिनिस्टर, हुन 9 साल हो गए, 9 साल इन्होंने कोई गल नहीं की, ये हुन इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन ईयर च ने, इस तरह दी फिर सारियां गल्लां। ते कोहिनूर ते मेरे वीरो हालात जिस किस्म दे सन, ये खुशना ही सी, ये भावें ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਸੇ ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, पर बाद में अपना स्टैंड बदलकर अदालत में कहा कि वो कोहिनूर को वापस लाने के लिए बरतानिया सरकार से बातचीत करेंगे। इसके साथ एसजीपीसी ने बरतानिया सरकार से महाराजा रणजीत सिंह का सोने का वो तख्त भी मांगा है जो बरतानिया सरकार ने म्यूजियम में रखा हुआ है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।